भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को इसे जारी किया गया। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में लिखा है, हमने पिछले 5 साल में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा रोजगार के अवसर दान किए हैं। अगले 5 वर्षों में हम हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा। अगले 5 वर्ष में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का वादा किया गया है। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। 60 साल से ऊपर की वृद्ध महिलाओं को सार्वजनिक परिवहनों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था होगी। 2 करोड़ युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रशिक्षित खिलाड़ियों को मुफ्त में स्पोर्ट्स किट दी जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल का मैदान होगा। हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार या 1 स्वरोजगार का अवसर होगा। सभी विभागों में खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अभ्युदय योजना के तहत इच्छुक अभ्यर्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। एम्बुलेंस की संख्या दुगनी होगी और प्रत्येक जिले में डायलिसिस सेंटर खोले जाएंगे। 6,000 डॉक्टर्स, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। लव जिहाद करने पर 10 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर लेके जाना है। प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में मां अन्नपूर्णा कैंटीन की व्यवस्था भी होगी, जिसमें गरीबों को न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी।